यहां कोई किसी का मालिक नहीं है। तुम्हारे अधिकार में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। और जब प्रेम ही तुम्हारा मालिक है तो तुम पहली दफा सीखोगे कि समर्पण क्या है। और याद रखो, इस प्रेम से ही प्रार्थना का रास्ता निकलता है। जब तुम किसी एक को प्रेम करते हो, प्रेमी प्रेमिका को प्रेम करता है, प्रेमिका प्रेमी को प्रेम करती है। जब तुम किसी एक को प्रेम करते हो तो प्रेम घटित होता है। लेकिन जब वही प्रेम इस अस्तित्व के लिए होता है, जब वही प्रेम समूचे अस्तित्व के लिए होता है, जब अस्तित्व ही तुम्हारा प्रेम पात्र होता है, तो उसे प्रार्थना कहते हैं। लेकिन प्रेम से ही यह संभव है। तुम प्रेम को जानोगे तो प्रार्थना को जानोगे। यदि तुम प्रेम ही नहीं जानोगे तो प्रार्थना को कैसे जानोगे? प्रेम से होकर ही यह प्रार्थना का मार्ग जाता है। और तुम डरते हो, तुम डरते हो अपना नियंत्रण खो जाने से, क्योंकि तुम तो सबके मालिक बने बैठे हो, सब कुछ अपनी मालिकियत में रखना चाहते हो। तो तुमको डर लगता है कि कोई चीज तुम्हारे नियंत्रण के बाहर ना हो जाए। तुम किसी भी ऐसी चीज से आविष्ट होने से डरते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में ना हो। और प्रेम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। इसीलिए तुम समर्पण से डरते हो। प्रेम समर्पण है। प्रेम डूब जाना है, प्रेम खुद को खो देना है। तुम डरते हो उस समर्पण से, तुम डरते हो अपने आप को खो देने से। यदि तुम मालिक ही बने रहना चाहते हो तो फिर बेहतर है कि तुम अपने से छोटी शक्तियों के साथ चलो। तब तुम मालिक बने रह सकते हो, तब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में हो सकता है। तुम जैसे चाहोगे वैसे मोड़ा जा सकता है चीजों को, क्योंकि तुम मालिक हो। अपने से छोटी शक्तियों के साथ जब तुम चलते हो तो तुम मालिक होते हो। लेकिन यदि तुम अपने से बड़ी शक्तियों के साथ चलते हो तो तुम्हारी मालिकियत खो जाएगी। और यह खतरा तो है कि वहां तुम्हारा कोई बस ना होगा। और इसी बात से हम डरते हैं कि हमारा नियंत्रण खो जाएगा। पर मैं तुमसे कहता हूं, भले ही तुम्हारा नियंत्रण खो जाए, लेकिन जो छोटी शक्तियों के साथ तुम चलते हो, जिस पर तुम अपनी मालिकियत कर सकते हो, क्या मिलेगा उससे? जीवन कभी भी तुम्हें अर्थपूर्ण नहीं लगेगा यदि तुम अपने से छोटी शक्तियों के साथ चलते हो। और अपने से बड़ी शक्ति के साथ चलने का एक ही मार्ग है, और वो है समर्पण। और तुमने इस समर्पण की भावना को खो दिया है। तुमने बहुत कुछ खोया है। लेकिन यदि तुम पकड़ने को राजी हो, धीरे धीरे छलांग लगाने को राजी हो, पकड़ना भी मैं नहीं कहूंगा, छोड़ने को राजी हो, अपने आप को छोड़ने को राजी हो, तो क्यों ना यही पल तुम समझ जाओ और जो व्यर्थ है वह छूट जाएगा।